मध्य प्रदेश में खरगोन के बड़वा नवजात थाना प्रभारी राजेश बर्मन ने जिला पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गांजा पकड़ने की कार्रवाई की। ग्राम नांदिया के नाया रोड पर बालक राम पिता गुलाब गुर्जर निवासी ग्राम नाया को अवैध रूप से गांजा ले जाते हुए पकड़ा। इस कार्यवाही के पूर्व एक पुलिस टीम गठित की गई। आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली और मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल नाया रोड पर पहुंचा, जहां बालक राम हाथ में थैली लेकर जाते हुए दिखा। जिसके पास मिली थैली को चेक किया तो थैली में 450 ग्राम कलीदार गांजा मिला, जिसको जब्त कर आरोपी बालक राम पिता गुलाब गुर्जर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम नाया को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 425/19 धारा 8/20 NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। TI बर्मन ने बताया कि आरोपी को पूछताछ के बाद गुरुवार सुबह न्यायालय पेश किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर आज क्या है मामला बताएं। ये आज दिनांक 21/8/2019 को दोपहर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बालाग्राम निवासी आया अपने पास अवैध रूप से गांजा लेकर कहीं बेचने की फिराक में है या फिर वो बेच रहा है। मुखबिर सूचना पर टीम को तत्काल रवाना की गई है, उसका यहाँ दबिश दी गई, उसको पकड़ा गया, उसके कब्जे से करीब आधा किलो गांजा जब्त किया गया है एवं आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी के विरुद्ध NDPS की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई की गई। कहाँ लेके जा रहा था सर ये? चूँकि किसी को बेचने के फिराक में था या फिर अपने घर ले जा रहा था, उससे आगे पूछताछ की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।